बेटा राम, तुमने मेरे को बेवकूफ बनाया, मैं तुमको दिल्ली जाने नहीं देगा। अय्यर भाई प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। कैसे जाने देगा भाई? अय्यर भाई के साथ ठीक नहीं किया है। अरे तुम कहाँ चलती गाड़ी में चल रहे हो पोपट लाल, तुम शांति रखो ना भाई। बेटा लाल तुम मेरे से बात करो। मैं आपसे बात करता हूँ। अय्यर भाई देखिए, आपकी एक बाल्टी पानी मुझ पे उतर रही, मुझे दिल्ली जाने दीजिए। दिल्ली से वापस आके मैं सोच समेत आपकी एक बाल्टी वापस लौटा दूंगा। एक बाल्टी की जगह पे दो बाल्टी पानी दे दूंगा। आपका बर्थडे कब है? आपके बर्थडे के दिन मैं आपको एक पूरा पानी का टैंकर गिफ्ट दे दूंगा बस। लेकिन प्लीज प्लीज अभी मुझे जाने दीजिए। जेठालाल तो डाके चला गया, लेकिन पानी के बिना अब हम क्या करेंगे? तुम्हारा तो ठीक है पपड़लाल, लेकिन मैंने ये तर पे हल्दी और दही लगाया, उसका क्या? ये तर कैसे धोएगा मैम? पर पानी क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं, मुझे लगता है अब्दुल भाई सोसाइटी का वाटर पंप चालू करना भूल गए होंगे आज। मैं अब्दुल को बुला के लाता हूँ। हाँ, जल्दी लाओ। अब्दुल। अरे दुकान बंद है? अब्दुल भी कमाल है, ये सुबह सुबह दुकान बंद करके कहाँ चला जाता है? अरे अब्दुल की दुकान तो बंद है। तो उसको फोन लगा। लगाओ। अरे थोड़ा तुम फोन लगाओ, मैं मोबाइल लेकर नहीं आया हूँ। ये लगाना पड़ेगा। अब्दुल मिस कॉल नहीं देना है, प्रॉपर फोन लगाना है। अरे भाई मिस कॉल नहीं दे रहा हूँ, प्रॉपर फोन ही लगाया है, नॉट रीचेबल आ रहा है। इस सोसाइटी के एक मेवा सेक्रेटरी को ही बुलाना पड़ेगा। सुनी नहीं रहा? ओ पप्पू, वो कौन नहीं सुन रहा अभी? वो भिड़े को बुला रहा हूँ, थोड़ी बार आ गया। हाथे की करा, वो मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है। अरे तो मेरे घर पे कौन सी नदियाँ बह रही है? मेरे घर पानी नहीं आ रहा, इसीलिए तो भिड़े को बुला रहा हूँ। अरे तेरे घर भी नहीं आ रहा है? माल है यार, मैं भी भिड़े को ही बुलाने आया हूँ। अब भिड़ो, अब भिड़ो, अब भिड़ो। ये भिड़े के कान में हड़ताल हो गई। इतना जोर जोर से हम लोग चिल्ला रहे हैं, फिर भी सुनता नहीं है। भिड़ो, ओ भिड़ो। ओ पप्पू एक मिनट, मैं भिड़ो को लेके आता हूँ। हाँ क्या मगज मारी है ये, अब्दुल का ठिकाना नहीं है, भिड़े बाहर नहीं आ रहा। देखो भिड़े, ओ भिड़े। ए ए पोपट, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? चाचा जी वो ये तूने बालों पे क्या लगाया है? वो चाचा जी मैंने बालों को स्मूथ करने के लिए हल्दी और दही लगाया है। पोपट इसलिए तू चिल्ला रहा था? नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं चिल्ला रहा था, ये पानी नहीं आ रहा है ना, तो मैं भीड़े को बुला रहा था। अरे भाई ये पानी ने तो सुबह से परेशान करके रखा है। पोपटिया तुझे पता नहीं होगा, बेचारा मेरा जेठिया ये अय्यर के घर पे ना कर गया। वो चाचा जी वो जेठालाल बेचारा नहीं है, बहुत होशियार है, आज उसका वजह से मेरा ये हालत हो गया है। अरे जेठिया ने थोड़ी पानी बंद किया है? जेठालाल ने पानी बंद नहीं किया चाचा जी, जेठालाल ने मैंने जो एक बाल्टी पानी स्टोर करके रखा था ना, उससे वो ना कर चला गया। अभी मैं कैसे नहाएगा, ये बाल कैसे धोएगा? अरे तो कोई ऊपर जाके टंकी चेक करो ना, उधर कुछ हुआ होगा, मैं नीचे आ रहा हूँ। आज हमारे साथ क्या हो रहा है? ये पानी चालू करने वाला अब्दुल गायब है, और अब्दुल को काम सौंपने वाला भीड़े सुन नहीं रहा। मेरा तो दिन का स्टार्ट ही गड़बड़ हो गया। अरे क्या हो रहा है? अरे सुबह सुबह क्या शोर शराबा लगा रखा है? अय्यर क्या किया बालों को? मैंने बालों को स्मूथ करने के लिए हल्दी और दही लगाया है। ठीक है, अच्छा किया, लेकिन धोया क्यों नहीं? पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है? लेकिन हमारे घर पर पानी आ रहा है। और भाई आप लोग अपने अपने घरों के नल चेक कर लीजिए एक बार। हाँ मेहता साहब, हमने बराबर चेक किया है, पर पानी जेन्युइनली नहीं आ रहा है। पोपट भाई आपके घर भी पानी नहीं आ रहा है? नहीं ना, तभी तो ये मगनमारी चल रही है। ओहो, जेठा भाई भी सुबह आए थे, वो कह रहे थे कि उनके घर पे भी पानी नहीं आ रहा है। अरे मेरा ये हालत जेठालाल का वजह से ही हुआ है। मैंने एक बाल्टी पानी स्टोर करके रखा था अपने नहाने के लिए, लेकिन जेठालाल नहाकर दिल्ली भाग गया।
ये भिड़े का भी कोई अता पता नहीं। अरे पीड़ू के घर पे तो ताला लगा हुआ है और वो फोन भी नहीं उठा रहा। इसका तो मतलब साफ जाहिर है ना, घर पे ताला मतलब भिड़ो और माधवी अभी दोनों कहीं बाहर गए। सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है और सेक्रेटरी गायब है। ठीक करिए क्या करते हैं? अरे तुम्हारे हेयर कलर और मेरे कुर्ते का कलर दोनों सेम टू सेम मिले। सॉरी 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 अय्यर ब्रा, तुम्हारा ये हेयर स्टाइल है तो बस, पर तुम पे नहीं जम रहा। नहीं नहीं सॉरी, ये मेरा हेयर स्टाइल नहीं है। और मेरे चेन्नई के शेर, फिर ये तेरे बालों को क्या हुआ? अभी मैं एक काम करता है, अपने गले में एक बोर्ड लगाकर घूमता है और उस पर लिखता है, मैंने अपने बाल स्मूथ करने के लिए इस पर हल्दी और दही लगाए, और मैंने नहाने के लिए एक बाल्टी पानी रखा था, इससे जेंडा लाल नहाकर दिल्ली भाग गया और इसलिए मेरा बाल ऐसा हो गया। एक बार नहीं 100 times लूंगा। सॉरी चाचा जी, सॉरी। देखिए एक्चुअली मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन आपका बेटा है ना जयदलाल, उसने सबको उल्लू बनाने में PhD किया हुआ है, इसलिए उसकी वजह से मेरा ये हालत हो गया। अभी मैं बाल कैसे धोएगा, घर में पानी भी नहीं आ रहा है। अय्यर रिलैक्स। तो अय्यर इसमें दिक्कत क्या है, मेरे घर चलो, वहाँ पानी आ रहा है, वहाँ अपने बाल धो लो। हाँ अय्यर भाई, बाल जल्दी धो लीजिए, वरना ये हल्दी और दही जो लगाया है ना, बाल स्मूथ होने की जगह एकदम रफ हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अय्यर तुम जाके मेहता सब के घर में बाल धो लो ना, तुम बाद में नहा लेना। करेक्ट बबीता, मैं बाल धो लेता है, बाकी सब लोग मेरे बालों के बारे में बोले ना बंद कर देंगे। हाँ हाँ अय्यर भाई, आप जाइए, मैं तब तक अब्दुल को फोन लगाता हूँ। सोड़ी तू जरा भीड़े को फोन लगा। बिल्कुल नहीं रहता है वो, सुबह में नहा के निकला, जल्दबाजी में करना भूल गया हूँ ऐसे। लेकिन ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना? अय्यर भाई आपको चोट तो नहीं आई, लगी तो नहीं कहीं? नहीं लगा तो नहीं, क्या है आज सुबह से मेरा पूरा दिन गड़बड़ वाला ही है। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है, अब आप नहा लीजिए ना। क्या मेहता साहब, आप भी मेरे साथ मजाक करता है? क्या हो गया? आपके घर में भी पानी नहीं आ रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं खुद नहाया हूँ, पानी आ रहा था भाई। हाँ अय्यर भाई ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तज कहता है पानी नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं कैसे। मैंने पानी आ रहा था भाई, आपने खुद देखा है पानी पड़ा हुआ इतना सा। देखो देखो नहीं आ रहा, ये देखो कैसे। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आप नहीं नहीं आ रहा, नहीं मैंने किया, मैंने दोनों तरफ करके चेक किया, मैंने नहीं आ रहा। क्या मेहता साहब आप भी मेरे को उल्लू बनाता है, जयदलाल का ब्रांड है ना, उल्लू तो बनाएगा ही। अरे अय्यर कैसी बातें कर रहे हो भाई, मैं तुम्हें उल्लू क्यों बनाऊंगा यार, ये हल्दी और दही का गुस्सा तुम खां का गुस्सा कहाँ उतार रहे हो भाई। और पानी बिल्कुल आ रहा था, मैं खुद नहाया हूँ, है ना अंजलि? हाँ तारक, अभी तक तो पानी आ रहा था यार भाई, पता नहीं कैसे बंद हो गया। तो फिर अब मैं क्या करेगा, पता नहीं सुबह से क्या हो रहा है मेरे साथ में। अरे अय्यर तुमने अभी तक बाल क्यों नहीं धोए? अरे कैसे धोएगा बबीता, मैं तो आपके घर पे भी पानी नहीं आ रहा है। हाँ पानी अचानक बंद हो गया। मैं ना आया जब बिल्कुल ठीक ठाक पानी आ रहा था, पता नहीं कैसे बंद हो गया। वो शायद टैंक भरा होगा ना, इसलिए पानी आ रहा था। अरे अभी क्या करें, वो किसी के घर पे भी पानी नहीं आ रहा है और ऊपर से पिड़ू भी नहीं है, और ये अब्दुल का फोन नहीं लग रहा। चलिए आप लोग फोन कीजिए, मुझे ऑफिस भी जाना है, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। फोन लग नहीं रहा है। अरे पूरी बात में हाथ नहीं लगा है, उसको किसी ने पूछा उसके घर पे पानी आ रहा है कि नहीं?
पानी क्यों चला गया? कोमल। हाँ बस नाश्ता लगा ही रही हूँ, 5 मिनट। अरे मैं तुम्हें नाश्ते के लिए नहीं बुला रहा हूँ, जरा 1 मिनट यहाँ आओ। क्या हुआ हंस? कोमल यहाँ पानी चला गया है। पर अभी तो किचन में पानी आ रहा था। अरे पानी तो यहाँ पे भी आ रहा था पर अचानक से चला गया है। अरे हाँ, कैसे? मुझे क्या पता। क्या लगता है सोसाइटी में पानी को लेके कुछ प्रॉब्लम हुआ है। चलो देखते हैं। चलो हाथी भाई, जल्दी आओ। हाथी भाई आया, सोडी आ रहा हूँ। चाचा जी आ रहे हैं फटाफट, कुछ नहीं हो गए बोलो। अरे अरे डॉक्टर साहब, आपके घर पानी आपके तो हाल देख के लग रहा है आपके घर पानी नहीं आ रहा है। हाँ मैं दाढ़ी कर रहा था और अचानक से पानी चला गया। ओह नो, मतलब आपके घर में भी पानी बंद हो गया? आपके घर में भी? मतलब कोमल भाभी, किसी के घर में भी पानी नहीं है तो मैं ये आधी बच्चे भी दाढ़ी कैसे करूंगा? अरे कोई तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। अय्यर, ये तुमने बालों में क्या लगाया है? मेरे बाल, मेरे बाल, पपीता, सबको मेरे बाल ही क्यों दिखता है? रिलैक्स अय्यर, रिलैक्स। डॉक्टर हाथी, जिस तरह से पानी की कमी की वजह से आप पूरी शेव नहीं कर पाए, ठीक वैसे ही पानी न होने की वजह से अय्यर अपने बाल नहीं धो पाया और बालों में वो हल्दी और दही लगाया है। तो अब क्या करोगे? अरे मेरे को मेरे बाल धोना है, कोई कुछ करो प्लीज। अरे भाई, कोई सोसाइटी में जाके सबको पूछो, किसी के घर थोड़ा पानी हो तो लाके इसको दो, ताकि ये हई और जल्दी धो सके। अरे चाचा जी, हल्दी और दही? वही वही वही। हाँ, वो थोड़ा पानी मुझे भी देना, वो क्या ना ऐसे आधी दाढ़ी में नहीं घूम सकता ना। हंस, फ्रिज में पीने का पानी है, उससे तुम शेव। ठंडा पानी? हाँ। ठीक है, अब क्या करूँ, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। एग्जैक्ट। अय्यर, तुम भी घर चलो, फ्रिज में जो पानी है ना उससे अपना बाल धो लो। अरे बबीता, ठंडे पानी से बाल धोएगा तो मेरे को सर्दी हो जाएगा। तो अय्यर भाई, पानी गर्म करके बाल धो भाई, ये पानी बंद हुआ है, गैस तो चालू है ना। करेक्ट करेक्ट। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ होना कुछ न होने से बेहतर है। चलो भाई, नहीं आप लोग देखो पानी का, मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं मेहता साहब? ऑफिस भाई? मेहता साहब, ऐसी ब्रेक फेल वाली सिचुएशन में आप हम सबको टेंशन की गड्डी में अकेला चढ़ के नहीं जा सकते। अरे पर नौकरी भी तो जरूरी है। मेहता साहब, जेठालाल नहीं है, अब्दुल का कोई अता पता नहीं है और भीड़ हमारी सोसाइटी को ऐसा लावारिस छोड़ के कहीं गायब हो गया, ऐसे में आप जा नहीं सकते भाई, आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। हाँ। भाई मैं सब समझता हूँ सिचुएशन कैसी है, लेकिन मेरी नौकरी में मेरा जाना बहुत जरूरी है भाई। अरे भाई मैं, तू आज के दिन रुक जाना भाई, तेरी जरूरत पड़ेगी। हाँ तारक, कोशिश कीजिए ना, प्लीज रुक जाइए। अच्छा जी, मैं सब समझता हूँ लेकिन ऑफिस में जरूरी काम है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक मिनट, ये देखो बॉस की सेक्रेटरी का ही फोन है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सुनीता, बोलो। सर आज आपके बॉस के साथ मीटिंग है, याद है ना? हाँ सुनीता, बॉस के साथ मीटिंग है, कैसे भूल सकता हूँ, बिल्कुल याद है। लेकिन सुनीता, आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा तो चलेगा? तो फिर आना ही मत। क्या क्या मतलब? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बॉस का मैसेज, अगर आपको लेट आना हो तो आना ही मत। देखो सुनीता, समझने की कोशिश करो, आज हमारी सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है, मेरे घर में पानी की एक बूंद नहीं है। अरे बाप रे। मैडम, मैं कभी नहीं कहता कि भाई मैं लेट आऊंगा। और देखो सुनीता, मैं जानता हूँ तुम कन्विंस कर सकती हो, तुम समझाओगी तो बॉस समझ जाएंगे। ठीक है, मैं बात करूंगी, पर अगर आप लेट आओगे तो बॉस सैलरी कट करेंगे। ठीक है, करेंगे तो करेंगे, अब चारा ही क्या है सुनीता। ओके तो बात तो कर ली, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। थैंक यू मेहता साहब, पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होते ही आप चले जाना। तो चलो यारो, घर की पाइपलाइन में चेक कर लेते हैं, क्या पता उसमें फॉल्ट हो। नहीं 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 सोड़ी, घर की पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना पाइपलाइन से घर की टंकी तक पानी आता ही नहीं। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम पक्का टेरेस की टंकी पर है, हमें वहीं जाके देखना चाहिए। अरे भाई मैंने तो पहले ही बोला था ऊपर जाके टंकी चेक करो, लेकिन कोई गया ही नहीं। चलो चलो चल के आते हैं वापस आके लेकर। अरे तारक, चिंता मत कीजिए, ठीक से चेक कीजिएगा, संभालिएगा। नहीं ये तो गलत है, ये सोसाइटी के सेक्रेटरी का काम मेंबर्स को करना पड़ रहा है। वो ठीक है, मेरी तो आधी तनख्वाह कटने वाली है, ऑफिस लेट जाऊंगा। छोड़ो जो भी है, जल्दी करो, मुझे ऑफिस पहुंचना है भाई। अरे ये देखो, ये देखिए भीड़ की लापरवाही को, क्या पंछी घोंसला बना रहे, उसे कुछ पता ही नहीं। पप्पू, तेरे से ये उम्मीद नहीं है क्या? अरे यार, तेरा नाम पोपट है और तू ही घोंसलों के खिलाफ है।
क्या बोल रहा है सोठे? मैं ये बोल रहा हूँ कि घोंसले को छोड़ और पानी का सोच। नहीं नहीं लेकिन फिर भी उसे ध्यान क्या कर रही है? करो चलो यार यार। ये भीड़े भी कमाल करता है, टेरेस पर ताला लगा के क्यों रखा है? पोपू कमाल तो तू करता है। अभी अगर पीड़ू ने इधर ताला नहीं लगाया होता तो तू बोलता भीड़े तो लापरवाह है, उसको कोई परवाह नहीं है। अब अगर उसने इधर ताला लगाया तो उसमें भी तुझे प्रॉब्लम है। तू पीड़े करे तो क्या करे? मैं क्या करूँ छोड़ी? सुनीता ने साफ बोला मैं ऑफिस लेट जाऊंगा, तनख्वाह कट जाएगी। पोपटाल चाबी तो मुझे क्या पता चाबी का? मुझे क्या पता का क्या मतलब भाई? नीचे तुम ही बड़े जोश से करे थे ना, टेरेस पे चल के चेक करते, टेरेस पे चल के चेक करते, तो चाबी तुम्हारे पास होनी चाहिए ना भाई। तो मुझे लगा कि टेरेस खुली होगी। अरे लगा क्या लगा यार, अब चाबी कहाँ मिलेगी? चाबी तो भीड़े या अब्दुल के पास ही होती है, पर दोनों का कोई ठिकाना नहीं। क्या करे? वो करना क्या? पापा इधर आ, अभी के अभी इस ताले को तोड़ देता हूँ। एक मिनट छोड़ी, ताला तोड़ने का रहने दे भाई। ताला टूट गया तो भीड़े पानी की समस्या को बाजू में रख के ताले को लेके शुरू हो जाएगा। ये ताला किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा? नहीं सही सही भाई, मैं इस पानी की समस्या के लिए रुका हूँ, उसके मेरी तनख्वाह कटवा रहा हूँ, लेकिन ताले के लिए मैं नहीं रुकूंगा भाई, उसके लिए तनख्वाह नहीं कटवाऊंगा भाई। अरे अरे एक मिनट, शायद अय्यर भाई के पास टेरेस के ताले की एक चाबी होगी, आप जरा उनको फोन कीजिए ना। अब तो तुम मुझे राय दे रहे हो तो खुद फोन क्यों नहीं करते हो भाई? मेहता साहब मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, वरना मैं पहले ही कर चुका होता। हद है यार पोपटलाल तुम्हारी भी यार, न समय देखते हो न कुछ, बैलेंस नहीं है। मेहता साहब। हाँ मेहता साहब बोल। अरे भाई तुम्हारे पास टेरेस के ताले की चाबी है क्या? हाँ है। हाँ तो जल्दी लेके आओ, हम लोग यहाँ ऑलरेडी पहुंच गए, तू ऊपर लेके आओ। हाँ अभी लेकर आता हूँ। आ रहा है, ये चाबी लेकर आ रहा है। चाबी का यार, चाबी। अरे इतनी सारी चाबी, इसकी चाबी कैसे ढूंढनी यार? अय्यर भाई आप गोकुल धाम सोसाइटी के आजू बाजू की सारी सोसाइटी के टेरेस की चाबी भी इस गुच्छे में रखते हैं, कितनी चाबियां क्यों है? पप्पू एक मिनट, अय्यर इन सारी चाबियों में इस ताले की चाबी कौन सी है? हाँ वो मेरे को मालूम। तेरे का है पता नहीं, इस ताले की चाबी का मेरी तनख्वाह कट जाएगी। मैं चेक करता हूँ, किसी ना किसी चाबी से तो खुलेगा ना? खुलेगा जल्दी जल्दी। यार ऑफिस जाना है क्या यार? याद है ना पिछली बार जब पानी गया था और हमने चेक किया था तो पता चला था कि पुराने नोटों का थैला फंसा हुआ है टंकी में। अरे हाँ कितना परेशान हो गए थे, मैंने तो लगता है इस बार भी ऐसा ही हुआ होगा। तो यहाँ तक आए तो चढ़ के देख ही लेते ना भाई क्या है। चलो हाँ चलो चलो। अरे अरे यहाँ भी ताला लगा हुआ, लेकिन चिंता की बात नहीं है, चाबियों का खजाना लेके घूम रहा है ना ये, इसमें से एक चाबी से खुल जाएगा ताला। अरे नहीं मेहता साहब, ये ताले का चाबी आत्माराम और अब्दुल के पास रहता है और दोनों सोसाइटी में नहीं है। तो कैसे पता चलेगा भाई कि टंकी में पानी है कि नहीं है? ओ मेहता साहब एक ही तरीके से पता चल सकता है, मैं ये ताला तोड़ देता हूँ। तोड़ दो। ताला नहीं तोड़ो वो आत्माराम भड़क जाएगा। अरे भड़केगा तो भड़केगा भाई, ताले के पैसे मैं दे दूंगा, नया ताला लगवा दूंगा, लेकिन इस वक्त इस समस्या का निवारण चाहिए। तोड़ दो भाई, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ मैं देता हूँ, अभी तोड़ देता हूँ। अरे भाई सोड़ी रुक रुक भाई, इसके लिए हथियार चाहिए अब भाई, ऐसे थोड़ी तोड़ सकता है ये। ओ पप्पू हथियार से ज्यादा हिम्मत चाहिए, और मैं हूँ ना, देख अभी तोड़ देता हूँ। ध्यान से भाई संभाल के। देख छोटी देख, ताला फड़ी, इसमें तो बहुत ही अंधेरा है यार। ओहो इसमें तो बिल्कुल पानी नहीं है। खाली है? खाली है। ओहो अरे जब टंकी में ऊपर पानी नहीं चढ़ा है, खाली है टंकी, तो फिर नीचे घरों में कैसे आएगा पानी? करेक्ट है, हम लोग पंप रूम में जाकर देखते हैं, शायद वहां पे कुछ फॉल्ट मिल जाए। हाँ चलो चलो भाई चलो। पानी की कमी की वजह से गोकुलधाम सोसाइटी में इस वक्त टेंशन के बादल छाए हैं, किसी के घर में भी पानी नहीं आ रहा, आएगा कैसे? टेरेस की टंकी में ही पानी नहीं है, लेकिन पानी क्यों नहीं है ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब क्या करें क्या न करें, इस असमंजस के घेरे में खड़े हुए हम सारे लोग, और ये जो छोटी सी समस्या इस वक्त नजर आ रही है ये बहुत बड़ा रूप धारण करने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या के वक्त गोकुलधाम सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े वो नदारद हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। अब ये तो वक्त बताएगा कि वो कहाँ है, और वो जब आएंगे तब क्या होगा, पानी आएगा या नहीं आएगा, बहुत सारे सवाल इस वक्त यहाँ पे
मुंह उठाए खड़े हैं, लेकिन एक बात तय है, हर सवाल के जवाब मिलेंगे ठाकुर के साथ। और इतना भी तय है कि यहाँ भली पानी की कमी हो, आपके घरों में हंसी का झरना फूटेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।